हेलो बच्चों, मैं क्रमवीर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, मैट्रिसेस से ट्रेस के ऊपर बेस्ड है। तो ये आप देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछा गया, ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आपकी ए मैट्रिक्स का भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस प्रकार से ए बी सी जीरो डी जीरो 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 ई, और यहाँ पर जीरो लेने की एफ भी ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट हो, अपर ट्रायंगुलर है, ऊपर की तरफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। तो यहाँ से अगर आपको ए रेज टू पावर एन कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से इस प्रकार कैलकुलेट करिएगा, क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n, d रेज टू पावर n, e रेज टू पावर n, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ कुछ एलिमेंट आएंगे, उनको हैश टैग कर रहा हूँ मैं, यहाँ कुछ एलिमेंट आएंगे, ठीक है भाई, यहाँ कुछ एलिमेंट आएंगे, क्लियर, डायगनल एलिमेंट। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेस पूछा गया, ट्रेस सम ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स होता है। तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रेस पहले तो इसकी पावर 20 निकाल के देखिए, आप कितना आएगा, 2 रेज टू पावर 20, हैश टैग, हैश टैग, ठीक है, फिर क्या जाएगा, 0, 2 रेज टू पावर 20, हैश टैग, कोई एलिमेंट आएंगे, 0, 0, 3 रेज टू पावर 20, ठीक है, पर ये शोर है कि डायगनल एलिमेंट के ऊपर पावर आ जाएगी। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालिए, इसको मैंने ऐसे ओपन कर दिया, ट्रेस निकाली, सम ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स, 2 रेज टू पावर 20 प्लस 2 रेज टू पावर 20 प्लस 3 रेज टू पावर 20, सम ऑफ ऑल डायगनल एलिमेंट्स, तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर 20 प्लस 3 रेज टू पावर 20, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगले लेक्चर तक बाय बाय।